अमीर साहब चूंकि उनके अपने काम भी हैं, सारा दिन ईद हमारे साथ नहीं गुजार सकते थे, वो तो चले गए, मगर बाकी मेहमान हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। हम आपके साथ ही गुजारेंगे। हम बकरा काट रहे थे, हमारी खुशकिस्मती है, हमने अपना बकरा काट दिया था, वो अपना बकरा काटने गए, कसाईयों ने लेट मिला है लगता है। अच्छा, मैं इस ईद के हवाले से मालिक साहब कोई पैगाम आप देना चाहते हैं मौशरे की सोच को सामने रखते हुए? कोई पैगाम शायद जी, हमको से ये बड़ा जरूरी होता है मालिक साहब, जो हमारे चाहने वाले लोग होते हैं ना वो फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए ये बड़ा जरूरी होता है। यार मैं अल्लाह माफ करे अगर मालिक साहब को फॉलो कर रहा है कि उनको वो उसको लाइफ लेसन दे, लोगों से अच्छी तरह बात करे, प्यार से बात करे। मुझे बड़ा बदा करता है, मैं देखता हूँ लोगों के रवैये इतने सख्त हो गए, या नीडलेसली सख्त, नीडलेसली जजमेंटल। यार चिल करो, प्यार नाल गल कर लो, ना खर्चा ना कुछ, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू बी नाइस। हर चीज एक ट्रांजैक्शनल नेचर। आई एक्चुअली जेन्युइनली थिंक मालिक एट हार्ट, मी एट हार्ट, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इवन अरशद एट हार्ट, वी आर ऑल लवर्स, पीसफुल पीपल। सख्त मिजाज इज नॉट इन अ बैड वे काशिफ, यू हैव सो मेनी अदर्स विद पीपल, ही इज बुनियादी तौर पे ना जो सख्त मिजाज, आई एम जस्ट सेइंग, बट ये होता है, दिस इज पर्सनैलिटी थिंग, सो इट्स यिन यान, यू पुट द टू टुगेदर, बट आई एग्री विद हिम, एवरी टाइम देर इज सख्ती यू नीड सम सॉफ्टनेस, एंड आई फील कि एक्सट्रीमली पोलराइज सोसाइटी है। हम जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे ना, जब आप लोगों का गला घोंटेंगे ना, वो फ्रस्ट्रेशन एंगर में तब्दील होगी, वो एंगर जो है उसके बाद लैश आउट करेगा, उसके बाद फिर आपका अदम बर्दाश्त किसी को सोचने और टॉलरेट करने का आपके अंदर किसी को ना तंग नहीं करना भाई, आई जस्ट वांट टू बी नाइस टू पीपल, डू इट वंस, ट्राई इट काशिफ, काशिफ इट वर्क्स, काशिफ आप पहले जवाब दे दे फिर मैं दूंगा। अच्छा उसमें ये होगा, पहले ये पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी कौम है, नहीं हो सकता काशिफ, बात सुन, कैसे बात सुन, ये जो ना ये पाकिस्तानी कौम, पहले एक कोई इलाज है, डंडा चुको और इसके अलावा तो कोई इलाज नहीं। मैं तुझे स्टेजेस बताता हूँ, Try being nice for a day. पहले दो घंटे तो समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ हूँ। नहीं मुझे समझ नहीं आएगी मैं कहाँ हूँ। अजीब सी फीलिंग होगी, फिर तो सर हैवी फील करेगा। मैं इसलिए वैसे टेम्परेचर चेक करूंगी। फिर चार घंटे के बाद आता दिल हल्का होना शुरू होगा, फिर बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। पहले पांच छह घंटे के लिए मुश्किल होंगे और तुम्हें पता है और दुनिया के लिए अच्छे होंगे, पांच छह घंटे ने कमरे में बंद करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा ट्राई बीइंग नाइस फॉर अ चेंज, अच्छी चीज है। मैं वैसे हैरान इसलिए हूं कि ये कहती है, मैं भी 15-20 साल तो हो गए हैं काशिफ को जानते हुए, तो मेरा ये जो आपने कहा ना इल्जाम लगाया, मैं समझता हूँ, आई एम सॉरी, जाती है कि ये सख्त में जा जाए, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्तों में मैं, बल्कि वो हमारी आपस में जो गुफ्तगू होती है वो बल्कि बड़ी कई दफ़ा ना जो एड्रेस करने का एक दूसरे को तरीका है तो वो बड़ा वेस्टर्न स्टैंडर्ड से देखे तो बड़ा गेश है। फॉर एग्जाम्पल डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी, ये तो नहीं करता होगा। मैं भी इसको ब्यूटी मेरा हमेशा आप करते होंगे, ये नहीं करता होगा। आर यू कॉलिंग अदर मैन ब्यूटी एंड डार्लिंग? आई डू दैट, यू नॉट कॉलिंग मी एनी ऑफ दीस थिंग्स। Well, I don't blame him. He's been living alone for too long. होता है ये जिंदगी में चेंजेस आ जाती है। मगर मैं जरा उन सीरियस नोट जो आपने मेरी तारीफ कर रहे हैं यार, बर्दाश्त करो, ट्राई कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, पर मैं बड़ा मुश्किल है। सीरियस नोट जो है, जो आपने ये कहा ना कि हमारे यहाँ माशरे में बहुत ज्यादा बिटरनेस, बहुत ज्यादा ये एक गुस्सा, ये वो आ गया, हम बात भी रवैये में क्वेश्चन है क्यों मैं समझता हूँ, मेरा मैं ये ऐसे ही एक थोड़ा सा लगेगा कि यार कभी बगैर पूछे भी कर लेना चाहिए जब हम क्यों करते हो ना। देख अल्टरनेटिव मुझे क्यों से प्रॉब्लम क्या है, क्यों पे आप दुनिया में हर एक्शन पर जस्टिफाई कर सकते हो, मेरे लाने इंच गल की थी सी, मैं भी इंच की था, नहीं मालिक क्यों छोड़ दे यार, कुछ नहीं होता। मैं ये सिर्फ कह रहा था कि ये जो मुआशरे के अंदर इतनी जो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा, बिटरनेस और एक दूसरे से मारकुटाई है, ये जिस मुआशरों में आप सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग ही इंजीनियरिंग है, वहाँ ये सदियों से एक फैक्ट्रीज में नहीं है, इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग नहीं है, बाकी हर जगह पाई जाती है। ये सदियों से एक मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी एवरीथिंग सोसाइटी रही भी थी, हमने एकदम से, अभी किसी ने कोई गोरा आ जाए लाहौर में आ जाए
पिंडी में आ जाए, पूरा शहर उसके पीछे चल रहा है। माय लेट फादर, मेरे वालिद 60-70 मालिक बात कर लें सारी, ये हिप्पी ट्रेल होती थी पूरी दुनिया के साथ हमारा रابطہ था, हम एक दूसरे को, अभी सिर्फ हमें अपने जैसे लोगों का पता है। यूनिफॉर्मिटी सोसाइटी में इतनी आ गई है कि पहले वो हमने गोरे निकाले, फिर मेरे स्कूल में फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ माय क्लास वो पारसीज थे, वो एंग्लो इंडियंस थे, वो क्रिश्चियन थे, मालिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, वो तमाम मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं। पहले गोरे निकाले, फिर शिया सुन्नी का मसला हो गया, अब सुन्नियों में बरेलवी देवबंदियों का मसला हुआ, तो ये कहाँ जाके बात खत्म होगी घूम फिर के। मैं तो यहाँ बात है, मेरे माई लेट फादर लजन सीख लिए, वो एक बात कहते थे पंजाबी में, बात करते थे, वो कहते यार जो खुश रहना होता है ना, यह खुश रहना भी एक फैसला होता है। सो ट्रू, खुशियाँ बाय चांस हर वेले नहीं आंदी हैं, तुम फैसला कर दो कि यार खुश रहना, तो मैं हर कीमत खुश रहना, तो बंदा अपनी खुशी लभ लेंदा। कहता है बीइंग हैप्पी इज अ डिसीजन, इट्स अ डिसीजन, सो यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस। आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट, ही इज लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू मी, बट आई लव हिज लाइफ व्यू, he's generally just always positive. Hey, aap kuch rehnda hai mere are ird gird to log rehna rehte nahi, ye bhi ek hai, ye bada mushkil ho raha hai mere ird karna, magar iske ird gird ke log khush rehte hain, usko safa kehte hain, aap banda kisi ki parwah na, banda kya attitude hai, main khush hoon, humne kya politicians ki baat nahi karni। एंड आपको मजे की बात बताऊं, इट इज एक्चुअली जब आप खुद फैसला कर लेते हैं ना कि मैंने खुश रहना है, आप दूसरों के लिए भी आसानियां क्रिएट करते हैं। इट्स रियली ट्रू, because you have decided, तो आप दूसरों के लिए फिर आप you're not creating obstacles, you're not a pain, you're not making their life miserable, you create आसानियाँ for other people as well। बहरहाल वो जो इन्होंने कहा कि लोग हमारे ऊपर देखते हैं कि पता नहीं, शायद मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा देखते हैं अभी, तो वो जिनको देखना चाहते हैं वो हमारे ऊपर तो कदकना इतनी आ गई है, मगर ये जो सोशल मीडिया है मैं समझता हूँ उसकी कई खराबियां होंगी, उसके अंदर बेताशा ये वो हैं, ट्रोलिंग होती है, फलाना है, मगर ये मुझे बात कहता था 10 साल से कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, आई नाउ फील सही कहता है, he's not on social media, he's made his life simple। आप मुझे कहते हो याद है, मैं आपको कितना अरसा पहले मैं आप और रूफ साहब बैठते थे, मैं कहता कि क्यों आप सोशल मीडिया, you've really made your life simple, he was the first one, जो कि मैं सबको कहता हूं, और आमिर भाई आपको मैं बता नहीं सकती हमारी जिंदगियां कितनी खप में होती हैं, और ये सुकून.com बैठा होता है, मेरा तो कोई फेसबुक वाला नहीं, जिंदगी मेरे कोई जाली बने हुए, आई डोंट हैव अ सिंगल फेसबुक, मेरा सिर्फ अकाउंट अपना ट्विटर है, ट्विटर हां हां ट्विटर, कोई इंस्टा नहीं, कोई फेसबुक, कोई कुछ नहीं, दिस मैन इज नॉट वरीड, मगर मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ये आप सबका, ये जिसका हर एक की अपनी चॉइस है कि वो उसके अंदर कितना इंडल्ज करना चाहता है, मगर ये कहते ना उसको 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 रेगुलेट करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उसके लिए हम चाहते हैं हमारे से मिलके बात करके उसको बंद करना सोल्यूशन नहीं, नहीं है, सही बात, दुनिया भर में उसकी कोई मुस्बत चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में अगर एक चीज़ चल रही है, एक पब्लिक टू पब्लिक इंट्रैक्शन का जरिया है, हमारे यहाँ उसका फिनोमिनन ये है कि क्योंकि डिसएम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा थी, लोगों के लिए एम्पावरमेंट का टूल बन गया, बिल्कुल, सो ये वो आजाद नहीं हो सकता ना भाई। गवर्नमेंट्स बड़ी मजदार है, वो कहती हैं, अदालतें कहती हैं, पॉलिटिशियन से बात करनी चाहिए, इदारों को इदारे से बात करनी चाहिए, लोगों को लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, इजाजत ही नहीं है, बैन कर दो, बैन कर दो, कानून है कि अगर आप पे इल्जाम लग जाए तो आप ही साबित करेंगे, डिफेंड नहीं, पहले मैंने साबित करना है कि मैंने ये, मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं नहीं नहीं, और वो आप करके बैठा, वो भी छोड़ दो, पहले फाइन होगा, पहले सारी छोड़ दो, सारी छोड़ दो, आप मेरे पे इल्जाम लगाते हैं, मेरा एक इनएलिजिबल राइट है कि मैं अपना दिफा करूं, इस कानून में पहले ये मुझे इस राइट के लिए भी लड़ना है कि क्या मैं आपको मौका दूं कि आप अपना दिफा करें, अच्छा, और बैठे बैठे 30 लाख आपको ठोक दे, 30 लाख मिनिमम है ना, 30 लाख ठोकना होगा तो 3 करोड़, 30 लाख जिनके पास हराम का पैसा है उनके लिए कोई कुछ नहीं है, एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए किसी के लिए 30 लाख बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा ना, अजमा बुखारी ने, मालिक क्या फर्क पड़ा 30 लाख क्या है, मैंने यही कहा था, मैं क्या 30 लाख अगर किसी में हराम के पैसे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तनख्वाह पे बैठे काम कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, भाई 30 लाख एम ही नहीं आप रख देते जाके कि 30 लाख 3 करोड़ हो गया तो, और यार दुनिया में कभी कानून सुना है
कि मैं अपना दिफा करने के लिए मुझे एक प्री ट्रायल ट्रायल में जाना पड़ेगा। फिर जो भी जज लगेगा उधर उनकी मर्जी की मॉनिटरिंग करेगी हुकूमत कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं ठीक काम कर रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन पब्लिक ऑफिस हो रही है इनकी मर्जी को ये कानून कहता है पब्लिक ऑफिस की रिप्यूट ना खराब हो, उनका नाम है, उनकी उनकी इमेज ना खराब हो, आम शख्स और सहाफी की आपके मेरे लिए ट्रिब्यूनल है, हम काले पीले जितने लोग हैं, और अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो गया तो उसको सिर्फ हाई कोर्ट का हाईकोर्ट के जज दो एक कानून में प्रिविलेज का खैर लदा बहस हो जाएगी वो थोड़ा अलग चला जाएगा सारा इतना एब्सर्ड अहमकाना आपकी डेफामेशन में अपोलॉजी टेंडर्ड कैन फिक्स थिंग्स राइट इधर वो वाला ऑप्शन गलती से अगर हो जाए तो आप कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई इनएडवर्टेंट गलती थी माफ कर दें चलो ब्लैक लॉ बड़ी लंबी बहस होगी ये बोर्ड बहस हो जाएगी आम बंद